गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास. वी स्टडी सम बेसिक प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. टुडे वी डिस्कस व्हाट इज एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? एक्सट्रैक्शन एक टाइप से क्या है? प्यूरिफिकेशन ही है. एक्सट्रैक्शन क्या है? प्यूरिफिकेशन. एक्सट्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ओर. हम ओर से प्योर मेटल का फॉर्मेशन करना ही हमारे पास क्या होती है? एक्सट्रैक्शन. यानी इट मे बी स्टेट सेज द प्रोसेस टू ऑब्टेन a metal from concentration of ore. Is known as extraction. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्शन. यानी द प्रोसेस टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ओर. एक मेटल को कंसंट्रेशन ऑफ ओर से एक्सट्रैक्ट करना ही क्या होता है भैया आपके पास? एक्सट्रैक्शन. यानी जिस प्रोसेस की हेल्प से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ओर से. कंसंट्रेशन ऑफ ओर से फॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल. प्योर मेटल का फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ ओर से क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रैक्शन. बच्चे मेटलर्जिकल प्रोसेस थी. मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या थी? एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल फ्रॉम द और पार्टिकल्स. अब यहां पे एक डेफिनेशन है पायरोमेटलर्जी. पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है बच्चों? यानी मेटल ऑक्साइड से मेटल को फॉर्मेशन करते हैं. मेटल ऑक्साइड से क्या करते हैं? मेटल बाय द हेल्प ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट. यानी द प्रोसेस in which extraction of a metal from its oxide by the help of reducing agent. यानी हम यहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं. द प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ऑक्साइड से बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस. क्लियर? पायरोमेटलर्जी क्या होती है बच्चों? पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस या पायरोमेटलर्जी. यानी जिस प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड. उसी के ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम मेटल का मेटल ऑक्साइड से ही एक्सट्रैक्शन करना क्या होता है बच्चों आपके पास? पायरोमेटलर्जी प्रोसेस. एक होती है स्मेल्टिंग. एक आपके पास है स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग क्या है बच्चों? अगर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से मेटल को फॉर्म कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन. यहां पर कार्बन एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट. यानी द प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन of metal by reduction of metal oxide. जिस प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हम मेटल का क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन विद कार्बन is called smelting. इसको हम क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग. क्या डिफाइन किया बच्चों हमने?
द प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हम मेटल क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन बाय रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से विद कार्बन, कार्बन के साथ, अगर हमारा कार्बन के साथ में हम उसका रिडक्शन करते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम स्मेल्टिंग। ये छोटे छोटे डेफिनेशन से बच्चों यहाँ पर सिंगल मार्क्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या बताया अभी, द प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल को ऑब्टेन करना कंसेंट्रेशन ऑफ ओर से, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। पायरोमेटलर्जी प्रोसेस क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज पायरोमेटलर्जी। एक है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है बाय रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज द स्मेल्टिंग। बच्चों इसके बाद हम फ्लेक्स को स्टडी करेंगे, व्हाट इज द फ्लेक्स, फ्लेक्स क्या होता है, यहां से बच्चों फ्लेक्स और स्लैग के बारे में स्टडी करते देखिए। बच्चों फ्लेक्स क्या होता है, जब फ्लेक्स हमारा गैंग पार्टिकल यानी इम्प्यूरिटी से ऐड होता है बच्चों, फ्लेक्स किससे और ऐड होता है इम्प्यूरिटी से, तो किसका फॉर्मेशन होता है स्लैग का, किसका फॉर्मेशन होगा स्लैग, यानी व्हाट इज फ्लेक्स एंड राइट इट्स टाइप। अब बच्चों फ्लेक्स क्या होता है, व्हाट इज फ्लेक्स, बच्चों फ्लेक्स क्या है, हमारे पास दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर कंबाइंड, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर कंबाइंड विद गैंग पार्टिकल, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, इंप्यूरिटीज को यानी अर्थली इंप्यूरिटीज, गैंग पार्टिकल्स को बोलते हैं हम अर्थली इंप्यूरिटीज, गैंग पार्टिकल्स को बोलते हैं हम अर्थली इंप्यूरिटीज, क्लियर। यानी फ्लेक्स क्या होता है, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर कंबाइंड विद गैंग पार्टिकल यानी अर्थली इंप्यूरिटीज एंड फॉर्मेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्लैग टेक प्लेस, आर नोन एज फ्लेक्स, आर नोन एज फ्लेक्स। इसका मतलब बच्चों फ्लेक्स क्या होता है, ये हमारे पास फ्लेक्स है और ये हमारे पास अर्थली इंप्यूरिटीज है, दैट इज द गैंग पार्टिकल। और जब बच्चों फ्लेक्स गैंग पार्टिकल से जुड़ता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, स्लैग का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा स्लैग का, यानी फ्लेक्स कंबाइंड विद द गैंग पार्टिकल इन फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग। अगर फ्लेक्स हमारे पास गैंग पार्टिकल से जुड़ता है तो किसका फॉर्मेशन होगा स्लैग। तो फ्लेक्स क्या होता है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर कंबाइंड विद गैंग पार्टिकल यानी अर्थली इंप्यूरिटीज एंड फॉर्मेशन ऑफ ए स्लैग टेक प्लेस, और किसका फॉर्मेशन होता है स्लैग का, इसको हम क्या बोलते हैं फ्लेक्स बोलते हैं। यानी टाइप्स ऑफ फ्लेक्स, टाइप्स ऑफ फ्लेक्स, बच्चों फ्लेक्स दो टाइप का हमारे पास, एक आपके पास है एसिडिक फ्लेक्स और वन आपके पास है बेसिक फ्लेक्स, एक एसिडिक फ्लेक्स और एक क्या है बेसिक फ्लेक्स, वन इज द एसिडिक फ्लेक्स एंड सेकंड इज द बेसिक फ्लेक्स, क्लियर। दोबारा ध्यान से देखिए बच्चों फ्लेक्स क्या होता है, दोज केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस विच आर कंबाइंड विद गैंग पार्टिकल, जो गैंग पार्टिकल से कंबाइन होते हैं अर्थ इंप्यूरिटी से कंबाइन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग टेक प्लेस, और किसका फॉर्मेशन होता है स्लैग का, यानी फ्लेक्स कंबाइंड विद गैंग पार्टिकल फॉर्मेशन ऑफ ए स्लैग। अब बच्चों फ्लेक्स हमारे पास टू टाइप का है, एसिडिक फ्लेक्स एंड बेसिक फ्लेक्स। पहले हम एसिडिक फ्लेक्स को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज द एसिडिक फ्लेक्स। अगर बच्चों ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, स्लैग के फॉर्मेशन में अगर फ्लेक्स आपका एसिडिक है तो वहां पर इंप्यूरिटीज कैसे होंगी बच्चों, आपके पास है बेसिक होंगी, इंप्यूरिटीज कैसे होंगी बेसिक, यानी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, फॉर्मेशन ऑफ
slack. If flux is acidic, so impurities are basic in nature. एक अगर फ्लेक्स आपका एसिडिक है तो इंप्यूरिटीज कैसे होती है, बेसिक इन नेचर. एसिडिक फ्लेक्स क्या बताया बच्चों, इन एसिडिक फ्लेक्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग, इफ फ्लेक्स इज आपके पास एसिडिक है तो इंप्यूरिटीज कैसे होंगी, बेसिक इन नेचर. जैसे हमारे पास ये SiO2 है, दैट इज द एसिडिक फ्लेक्स, दैट इज द एसिडिक फ्लेक्स. एक एग्जाम्पल हो रहा है SiO2 हमारे पास क्या है, एसिडिक फ्लेक्स. तो यहां पर जो इंप्यूरिटीज है बच्चों हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या है, बेसिक इंप्यूरिटीज, बेसिक इंप्यूरिटीज, दैट इज बेसिक इंप्यूरिटीज. क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड हमारे पास क्या है, बेसिक इंप्यूरिटीज, दीज आर द बेसिक इंप्यूरिटीज. क्लियर. और आपको पता है बच्चों मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. अगर हमारा फ्लेक्स एसिडिक है तो इंप्यूरिटीज कैसे होगी बच्चों, बेसिक होगी. यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, देखिए एसिडिक फ्लेक्स क्या होता है बच्चों, यानी एसिडिक क्या होते हैं, जो ऑक्साइड एक्सेप्टर, और बेसिक क्या होते हैं, जो ऑक्साइड डोनर. यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, MgSiO3, MgSiO3, और यहाँ पर होगा CaSiO3, That is the slag. ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, स्लैग का फॉर्मेशन होगा. दीज आर द स्लैग. ये हमारे पास बच्चों हमारे एसिडिक फ्लेक्स था. दोबारा से देखिए इसको यहां पे. फ्लेक्स क्या होता है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर कंबाइन विद गैंग पार्टिकल अर्थली इम्प्यूरिटीज. गैंग पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, अर्थली इम्प्यूरिटीज, एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग टेक प्लेस. जब फ्लेक्स अर्थली इम्प्यूरिटीज से जुड़ता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, स्लैग का. फ्लेक्स प्लस गैंग पार्टिकल, दैट इज द स्लैग. टाइप ऑफ फ्लेक्स क्या है बच्चों हमारे पास, फ्लेक्स दो टाइप का, एक एसिडिक फ्लेक्स और एक बेसिक फ्लेक्स. एसिडिक फ्लेक्स क्या है बच्चों, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, इफ फ्लेक्स इज एसिडिक, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, इफ फ्लेक्स इज एसिडिक, सो इंप्यूरिटीज आर बेसिक इन नेचर. जब हमारा स्लैग का फॉर्मेशन होता है तो अगर फ्लेक्स एसिडिक है तो इंप्यूरिटीज कैसे होंगे, वहां पर बेसिक इन नेचर. जैसे SiO2 हमारा एसिडिक फ्लेक्स है, ये क्या बेसिक इंप्यूरिटीज. क्लियर. मेटल्स ऑक्साइड आर, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक. किसका फॉर्मेशन होगा, MgSiO3 स्लैग, SiO2 प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, या हमारे पास है CaO, ये प्लस का साइन है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaSiO3. क्लियर. अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक फ्लेक्स. नेक्स्ट हमारे टाइप कौन से, बेसिक फ्लेक्स, उसको यही डिस्कस कर देते हैं बच्चों. देखिए सेकेंड जो टाइप हमारे पास वो क्या है, दैट इज अवर बेसिक फ्लेक्स. बेसिक फ्लेक्स क्या होता है बच्चों, अगर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्लैग अगर फ्लेक्स बेसिक है तो इंप्यूरिटीज कैसे हो जाएंगे, एसिडिक. यानी सेकेंड हमारे पास है बेसिक फ्लेक्स. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, if flux is basic, so impurities are acidic in nature. Impurities कैसे हो गए, acidic in nature. बच्चों silicon हमारे पास एक metalloid है, acidic impurities भी show करेगा, basic भी show करता है. अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा बच्चों, जो SiO2 है और एक किसे जुड़ता है आपका CaCO3 से, CaCO3, दैट इज द बेसिक फ्लेक्स. अब यहां पे किस कवर करेगा, बेसिक फ्लेक्स किस कवर करता है, बेसिक फ्लेक्स. और CaCO3 क्या हमारे पास, एसिडिक इंप्यूरिटीज, एसिडिक इंप्यूरिटीज. यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, CaSiO3 प्लस CO2, दैट इज लाइक That is our slag. और हमारे पास CO2 यहां से क्या हो गया आपका, आउट. That is the slag. और CO2 क्या हो गया बच्चों हमारे पास यहां से, आउट. इट्स ओके. तो बच्चों हमारे पास इसी टाइप से
SiO2, अगर MgCO3 सिलेक्शन करता है, दैट इज MgCO3, तो किसका फॉर्मेशन होगा? MgSiO3 प्लस में CO प्लस में CO2। तो ये बच्चों हमारे पास फ्लेक्स का टॉपिक था, ये हमारे पास किसका टॉपिक था? फ्लेक्स। इसके बाद बच्चों हमारे पास हम डिस्कस करते हैं ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन के बारे में। हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? व्हाट रिएक्शन हैपन इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन। थोड़े से पॉइंट्स है बच्चों टेम्परेचर के, इनको हमें याद रखना है बस, थोड़ा सा हमें उसमें याद रखने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यानी वॉट रिएक्शन टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन। हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन में कौन सी रिएक्शन होती है? जो ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन है इसमें बच्चों हमारे पास वेरियस जोन प्रेजेंट है, यानी जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन है उसमें वेरियस जोन प्रेजेंट है, यानी रिएक्शन टेक प्लेस इन फर्नेस, रिएक्शन टेक प्लेस इन द फर्नेस। बच्चों इस रिएक्शन टेक प्लेस इन द फर्नेस में हमारे पास सबसे पहले आता है जोन ऑफ कंबशन। क्या आता है? जोन ऑफ कंबशन। फर्स्ट हमारे पास आता है जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ कंबशन। जो फर्स्ट हमारे पास है वो क्या बच्चों? जोन ऑफ कंबशन। क्या है? जोन ऑफ कंबशन। यानी यहां पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो हीट इज प्रोड्यूस एंड टेम्परेचर अराउंड 2170 केल्विन। यानी इन दिस जोन हीट इज प्रोड्यूस्ड, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस एंड टेम्परेचर अबाउट 2170 केल्विन। हमारे पास सी सॉलिड प्लस O2 दैट इज गैसियस, और किसका परमिशन हो गया? CO2 गैसियस। क्लियर। और यहां पर जो एनर्जी है वो आपके पास है -393.5 दैट इज किलो जूल। क्लियर। और यहां पर हमारे पास जो एंथैल्पी जो एनर्जी वो हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पर एनर्जी क्या हो रही है? आउट हो रही है, रिलीज हो रही है। आउट क्या हो रही है? एनर्जी क्या हो रही है? आउट हो रही है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारा जोन ऑफ कंबशन क्या है? इन दिस जोन हीट इज प्रोड्यूस्ड, यहां पर हीट का प्रोडक्शन होता है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। और जब हीट आउट होती है तो हमारी क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसका टेम्परेचर 2170 केल्विन। कार्बन O2 से रिएक्शन करता है तो CO2, तो डेल्टा हमारे कितना गया? 393.5 जूल। नेक्स्ट है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। सेकंड हमारे पास है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। अगर बात बच्चे यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन की है, तो यहां पर हमारे पास हीट क्या होती है? अब्जॉर्ब। और हीट अब्जॉर्ब होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? यहां पर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी यहां पर CO2 कार्बन से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? कार्बन से। और जब CO2 कार्बन से रिएक्शन करता है यहाँ पर 2CO, किसका फॉर्मेशन होगा? 2CO। और यहां पर जो हमारे पास हीट का अब्जॉर्बेशन होगा वो होगा डेल्टा हमारे पास आएगा 163.2 किलो जूल, यानी प्लस में है। तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है? अब्जॉर्ब हो रही है। यानी इन दिस जोन हीट इज अब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। एंडोथर्मिक यानी इस जोन में हमारे पास हीट अब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है? अब्जॉर्ब। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस एंड टेम्परेचर फॉल्स
1423 केल्विन। देखिए बच्चों, हमारे पहले का टेम्परेचर था 2170 केल्विन, अब वो टेम्परेचर कितना होगा 1423 केल्विन। कितना होगा टेम्परेचर 1423 केल्विन, यानी टेम्परेचर पहले से क्या हो गया डिक्रीज। वहां पर हीट रिलीज हो रही थी तो हमारे टेम्परेचर एक्सेस था, यहाँ पर हीट डिक्रीज हो गई तो टेम्परेचर भी क्या हो गया बच्चों हमारे पास डिक्रीज हो गया। क्लियर? तो हमारे पास देखिए अभी रिएक्शन टेक प्लेस इन द फर्नेस, यानी जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन है उसके हमने सिर्फ दो जोन को डिस्कस किया है, एक जोन ऑफ कम्बसन और एक जोन ऑफ हीट फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन। चलो मैं पहले थर्ड और डिस्कस कर लेता हूँ, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में देखिए हमारे पास यहाँ पर CaCO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भी आपका CaO+CO, और फ्लेक्स को तो हमने अभी स्टडी किया था स्लैग फॉर्मेशन का, जो CaO SiO2 से कंबाइन होता है, यानी हमारे पास क्या है एसिडिक फ्लेक्स, दैट इज एसिडिक फ्लेक्स, और ये हमारे पास क्या है बेसिक इम्प्यूरिटीज, बेसिक इम्प्यूरिटीज। और एसिडिक फ्लेक्स और बेसिक इम्प्यूरिटीज अगर कंबाइन होती तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा CaSiO3, CaSiO3 दैट इज द स्लैग, CaSiO3 दैट इज द स्लैग। दोबारा से ध्यान से देखिए बच्चों, रिएक्शन टेक प्लेस इन द फर्नेस, सबसे पहले जोन ऑफ कंबसन, जोन ऑफ कंबसन में बच्चों हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, सो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। और यहाँ का जो टेम्परेचर हुआ है 2170 केल्विन, 2170 केल्विन, और कार्बन O2 से रिएक्शन करके CO2 कर दो तो यहाँ पर ये एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है आपके पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक्सोथर्मिक। सेकेंड हमारे पास है जोन ऑफ द हीट एब्जॉर्बेशन, और जोन ऑफ हीट एब्जॉर्बेशन में क्या होता है जब CO2 कार्बन से रिएक्शन करता है, कोक से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर 2CO, तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी वो पॉजिटिव है प्लस 163.2 किलो जूल, तो इस जोन में हीट का एब्जॉर्बेशन होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस, और इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है आपका 2170 से 1423 केल्विन, टेम्परेचर क्या हो गया डिक्रीज। नेक्स्ट है जोन ऑफ द स्लैग फॉर्मेशन, थर्ड हमारे पास क्या जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, इस जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में क्या है बच्चों CaCO3 CaO+CO2 चेंज हो गया, CaSiO2 से कंबाइन होकर क्या बना रहा है CaSiO3, ये तो हमने स्लैग फॉर्मेशन में अभी भी स्टडी किया बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जोन ऑफ रिडक्शन, ये हमारे तीनों जोन डिस्कस हो गए। अब हमारा जो फोर्थ आएगा आपके पास, फोर्थ हमारे पास क्या है देखिए, जो ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास तीन जोन डिस्कस किया गया, हमारे पास दो जोन और डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जोन ऑफ रिडक्शन, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट है दैट इज फोर्थ जोन ऑफ रिडक्शन। बच्चों इस जोन ऑफ रिडक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आ जाता है बच्चों हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट रिएक्शन रिएक्शन टेक प्लेस इन द जोन ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, यानी फर्नेस के अंदर जोन ऑफ रिडक्शन में कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होती है, कई बार इसी के बारे में पूछ लेता है बच्चों। तो इट इज अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, इट इज अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, ये फर्नेस का बच्चों हमारे पास कौन सा है अपर पार्ट, एंड टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इन बिटवीन 500 to 900 केल्विन, और इस जोन का जो टेम्परेचर है बच्चों कितना होता है 500 से 900 केल्विन के बीच में होता है, 500 टू 900 केल्विन। इस जोन में क्या होता है बच्चों देखिए Fe2O3 हेमेटाइट CO से रिएक्शन करता है, हेमेटाइट किस रिएक्शन करता है CO से, तो किसमें चेंज होता है आपका मैग्नेटाइट Fe3O4 किसमें चेंज हो गया आपका हेमेटाइट, किसमें चेंज हो गया मैग्नेटाइट, और यहाँ से CO2 गैस क्या हो गई आउट। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, देखिए क्या आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो गया, यहाँ का जो टेम्परेचर वो है 523 से 673 केल्विन, 523 से 673 केल्विन।
अब हमारे पास जो मैग्नेटाइट है Fe3O4, अब मैग्नेटाइट फिर से CO से रिएक्शन करता है, फिर से किस रिएक्शन करता है CO से, और इट इज कन्वर्ट इन टू द आयरन, हमारा किस में कन्वर्ट हो गया आयरन में, और CO2 गैस क्या हो गया यहां से रिलीज। और यहां का जो टेम्परेचर वो है बच्चों आपके पास 773 से 873 केल्विन, क्लियर, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर लिख रहा हूं बच्चों, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर लिख सकते हैं। जोरो फ्रिडक्शन में क्या बताया अभी हमने, इट इज द अपर पार्ट ऑफ फर्नेस, ये फर्नेस का हमारे पास क्या है अपर पार्ट है, और इसका जो टेम्परेचर है बच्चों इस जोन में वो है 500 से 900 केल्विन। फर्स्ट में जो हेमेटाइट है वो सीओ से रिएक्शन करता है, और किस में कन्वर्ट होगा आपका मैग्नेटाइट प्लस सीओ टू। नेक्स्ट में हमारे पास जो मैग्नेटाइट है वो फिर सीओ से रिएक्शन करता है, तो किस में कन्वर्ट होगा आपके पास आयरन प्लस में सीओ टू आउट हो गया यहां से, क्या आउट हो गया बच्चों आपके पास सीओ टू, क्लियर, ओके, रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं, या आपकी रिएक्शन आपके पास ये भी हो सकता है जो हेमेटाइट है वो सीओ से रिएक्शन करके, जो हेमेटाइट है वो सीओ से रिएक्शन करके किसमें चेंज हो सकता है आपका आयरन ऑक्साइड प्लस में सीओ टू में भी कन्वर्ट हो सकता है, आयरन ऑक्साइड प्लस में सीओ टू। अब आयरन ऑक्साइड फिर से सीओ से रिएक्शन करता है, तो हमारे पास किसमें चेंज होगा अभी आपका आयरन प्लस में सीओ टू, यानी दीज रिएक्शन आर टेक प्लेस इन द जोन ऑफ रिडक्शन, ये जो रिएक्शन हमारे पास जोन ऑफ रिडक्शन में टेक प्लेस होती है, क्लियर। तो बच्चों इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए, हमारे पास दैट इज द जोन ऑफ रिडक्शन, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है जोन ऑफ फ्यूजन, हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन क्या है बच्चों हमारे पास, यानी जोन ऑफ फ्यूजन के अंदर हमारे पास क्या आएगा बच्चों के पास, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस, इट इज, इसमें कोई ज्यादा मेन नहीं है बच्चों, इट इज लोअर पार्ट ऑफ द furnace and ये हमारे पास क्या lower part of the furnace and temperature of this zone is, और इस zone का जो हमारे पास बच्चों temperature वो कितना है लगभग 1423 केल्विन के आसपास है, ठीक है। चलो दोबारा देखिए बच्चों, इसमें कोई ज्यादा वर्क नहीं है, और इस जोन में बच्चों हमारे पास वेरियस इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट है, इस जोन में क्या प्रेजेंट रहती है वेरियस इंप्यूरिटीज, ओके, क्योंकि जब हमारा फ्यूजन होगा तो हमारे पास जितनी भी इंप्यूरिटीज है वो आपके पास किस में आती है लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस में आती, किस में आती है लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस, तो इस जोन में हमारे पास क्या होते हैं वेरियस इंप्यूरिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। दोबारा देखिए बच्चों, हमारे पास जो हमारा रिएक्शन टेक प्लेस इन द फर्नेस, हमारा जो सबसे पहले जो पार्ट था फर्नेस का वो हमारे पास क्या था आपका जोन ऑफ कम्बशन, जोन ऑफ कम्बशन में क्या था कि वहां पर कम्बशन होगा तो रिएक्शन क्या होती थी एक्सोथर्मिक, वहां पर हीट रिलीज होती थी। सेकंड था हमारा जोन ऑफ कम्बशन था, सेकंड में जोन ऑफ अब्जॉर्बेशन, वहां पर हीट का अब्जॉर्बेशन होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था भी आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास जोन ऑफ कम्बशन, जोन ऑफ अब्जॉर्बेशन, और एक आपके पास क्या था भी आपका जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग का फॉर्मेशन तो बच्चों फ्लेक्सन स्टडी कर चुके हैं कि जब हमारे पास फ्लेक्स किससे कंबाइन होता है गैंग पार्टिकल से, तो किसका फॉर्मेशन होता है स्लैग का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है स्लैग। नेक्स्ट था जोन ऑफ रिडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्नेस, इसमें क्या होता है इट इज अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, ये फर्नेस का अपर पार्ट है जहां टेम्परेचर रेंज कितनी है 500 to 900 केल्विन, यहां पर जो हेमेटाइट है वो सीओ से रिएक्शन करके मैग्नेटाइट में चेंज होगा, मैग्नेटाइट सीओ से रिएक्शन करके आयरन में चेंज होगा, या हेमेटाइट सीओ से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड में चेंज होता है, और आयरन ऑक्साइड सीओ से रिएक्शन चेंज करके किस में चेंज होगा आयरन में चेंज, इट इज कन्वर्टेड इनटू द आयरन। आप इन रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल वर्क है नहीं है आपके, इट्स ओके। जैसे सपोज करो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो मेरे अनुसार रिएक्शन बैलेंस करने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जैसे यहाँ पर 4 है, 4 आपके पास रिएक्शन भी क्या होगी बैलेंस होगी, क्लियर। इसी टाइप से आप इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं, आप यहाँ पर 2 आयरन आपके पास, अब कार्बन कितने हो गए ऑक्सीजन 3 और 4 2 और 2 4 आपके पास रिएक्शन बैलेंस आते हैं, क्लियर। तो बच्चे हमारे पास और लास्ट में क्या था जोन ऑफ फ्यूजन, ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस, ये फर्नेस का कौन सा है लोअर पार्ट जिसमें इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट, जहां पर हमारे पास इंप्यूरिटीज भी क्या होती है प्रेजेंट होती है। इसके बाद बच्चों हमारे पास हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द रोट आयरन,
नॉर्मल सा वर्क है, बच्चों कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हो रहे हैं। व्हाट इज द रोट आयरन? रोट आयरन क्या होता है बच्चों? हमारे पास हम नॉर्मल सा डिस्कस करते हैं अबाउट द रोट आयरन। देखिए बच्चों थ्योरेटिकल यूनिट है, थोड़ा सा पहले के वर्क केजीज के ऊपर आप, मुश्किल नहीं है, थोड़े याद करने की कोशिश कीजिए, रिटर्न कीजिए, याद हो जाएगा, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या बच्चों? व्हाट इज द रोट आयरन? रोट आयरन क्या होता है? व्हाट इज रोट आयरन? हमारे पास रोट आयरन क्या है? व्हाट इज द रोट आयरन? यानी रोट आयरन क्या होता है बच्चों? देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप बेसिकली याद कीजिए। आपके पास रोट आयरन क्या है? इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन। ये आयरन क्या हमारे पास क्या प्योरेस्ट फॉर्म है? इट कंटेन, सेकंड पॉइंट, इट कंटेन 0.2 to 0.5% कार्बन। इसमें 0.2 to 0.5% क्या होती है? कार्बन। क्लियर बच्चों? हमारे पास ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ है कॉमर्शियल आयरन। ये हमारे कॉमर्शियल आयरन के आपके पास क्या प्योरेस्ट फॉर्म? इसमें कार्बन की अमाउंट कितने? 0.2 to 0.5% होती है। क्लियर? और जो हमारे पास बच्चों आपके पास रोट आयरन है, रोट आयरन में हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टी है, यानी इट इज डक्टाइल, मैलेबल, डक्टाइल सॉफ्ट, मैलेबल इन नेचर। ये हमारे पास डक्टाइल भी है, सॉफ्ट भी है और मैलेबल इन नेचर है, यानी इट मेक्स टफ एंड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स रस्टिंग, यानी ड्यू टू स्लैग इट मेक एज टफ और एंटी रस्ट ऑफ ओरिजन। यानी स्लैग के कारण इसको हम टफ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? एंटी रस्ट ऑफ कोरोजन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कोरोजन। और रोट आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कास्ट आयरन। और जो बच्चा हमारे पास रोट आयरन है, रोट आयरन इज प्रिपेयर्ड, जो हमारे पास रोट आयरन है इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कास्ट आयरन। रोट आयरन इज प्रिपेयर्ड, रोट आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कास्ट आयरन बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन, बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन। ये कार्बन है बच्चों। देखिए बच्चों हमारे पास रोट आयरन क्या है? व्हाट इज द रोट आयरन? रोट आयरन के बारे में क्या बताया मैं हमने आपको? जो रोट आयरन क्या होता है बच्चों? इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन। या हमारे पास कॉमर्शियल आयरन की क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। क्लियर? यानी जो हमारा कॉमर्शियल आयरन क्या होता है बच्चों? जो इंडस्ट्रीज में हमारे जनरल में यूज होता है मैक्सिमम, वो हमारे पास क्या है? कॉमर्शियल। इट कंटेन्स 0.2 to 0.5% कार्बन। जो रोट आयरन में कार्बन की परसेंटेज क्या? 0.2 to 0.5। बच्चों पॉइंट्स को याद कीजिए। रोट आयरन हमारे पास क्या होता है? सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, और ड्यू टू स्लैग के कारण इट मेकर्स टफ बना सकते हैं, ये इसको एंटी रस्ट बना सकते हैं। और रोट आयरन हमारा किससे फॉर्म होता है बच्चों? ये कास्ट आयरन से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है? कास्ट आयरन, बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन के अमाउंट को रिड्यूस करके हम इसको कास्ट आयरन से ही इसका फॉर्मेशन करते हैं। जो रोट आयरन का फॉर्मेशन है बच्चों वो किससे होता है? हमारे पास कास्ट आयरन से होता है, बाय रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन। कास्ट आयरन में अगर हम कार्बन के अमाउंट को रिड्यूस कर दें तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा? रोट आयरन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? दैट इज रोट आयरन। तो बच्चे हमारे पास टॉपिक था आज का। नेक्स्ट टॉपिक में हम बच्चे रिफाइनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे पास छोटी सी यूनिट है, लगभग 2 lectures की, और बच्चे हमारे पास 4th lecture था इसका, और अप्रोक्सीमेट 2 lectures की आपकी यूनिट और पेंडिंग है।